प्रिय बिहार वासियों, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट के दौर से गुजर रही है। देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समाज के व्यापक हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है। अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शीघ्र ही जाँचोपरांत उन सभी के खातों में भी राशि अंतरित कर दी जाएगी। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। अभी तक 7,66,920 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। बिहार के सभी राशन कार्डधारियों को 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 94,85,000 कार्डधारियों को राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष राशन कार्डधारियों के खाते में भी राशि शीघ्र अंतरित कर दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी। बिहार सरकार बिहार के विभिन्न शहरों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों आदि के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चला रही है। इसमें भोजन, आवासन एवं चिकित्सीय जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि ज़रूरत पड़ी तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानीय आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन समाज के व्यापक हित में है। आप लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो आप अपने आप को, अपने परिवार को एवं समाज को इस बड़ी विपत्ति से बचा पाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बिहार में पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। आप इसमें सहयोग करें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। जिन्हें संक्रमण की थोड़ी सी भी आशंका हो वे तुरंत जांच कराएं तथा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाएं। कोरोना संक्रमण से निपटने में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम सबका दायित्व है कि उनके साथ विनम्रता से पेश आएँ और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है कि जो जहां हैं वहीं रहें, परेशान न हो। चाहे राशन कार्डधारी हों, पेंशनधारी हों, किसान हों, वृद्धजन हों, दिव्यांगजन हों, चिकित्सा कर्मी हों, छात्र छात्राएं हों या दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक या अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति हों, सरकार द्वारा
सभी को हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। अन्य बीमारियों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था की गई। अतः आप सभी लोग सचेत एवं सतर्क रहें तथा स्वस्थ रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब के सहयोग से हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।